अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलमान कमर, आप देख रहे हैं एक्सट्रैक पीके। हम मुतअद्दिद बार इस मेले में आ रहे हैं और मेला ये अनकरीब अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है, और इसके साथ ही मसला सारा ये है कि इधर रश बहुत है, आपको थोड़ी वीडियो में भी इंटरप्शन हो रही है। एक हमारा प्यारा सा दोस्त भी हमारे साथ है, तो आज हम दोबारा हाजिर हुए हैं और मेले के अख्ताम में खाले 2-3 दिन रह गए हैं और आज कुछ ज़्यादा ही रश है यहाँ पे। तो यहाँ कुछ हम आवाम से भी बात करते हैं, आने वाले लोगों से, और यहाँ जो स्टॉल्स लगाए हुए हमारे भाइयों ने उनसे भी थोड़ी सी राय जानेंगे। तो चूँकि ये मेला अख्ताम पसीर होने वाला है 2-3 दिन में, तो उसके बाद फिर हम इसे देखेंगे कि मतलब ऐसे और दूसरी जगह कहाँ ऑर्गेनाइज हो सकता है, क्योंकि कराची ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो हमारे नन्ना सा एक दोस्त भी, हमारा टिकटॉकर दोस्त साथ है हमारे, बेटा नाम क्या है आपका? मोहम्मद एहसन। मोहम्मद एहसन, एहसन यार आप टिकटॉक पे क्या बना रहे हैं? वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो किस तरह की बनाते हैं? बिल्कुल टाइट टाइट वीडियो बनाता है भाई एहसन हमारा। और आपकी आईडी क्या है? सलीम एहसन 22। सलीम एहसन 22 टिकटॉक पे, ये हमारे नन्ने से दोस्त की आईडी है। आप सब दोस्तों ने लाजमी मेरे को इस पर टिकटॉक पे फॉलो करना है, लाइक देना और इन्हें बुलंदियों में पहुंचाना है। और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ रोज़ आ रहे हैं बेटा? हाँ, कल नहीं आया। कल नहीं आए, तो आप करीब ही रहते हैं? जी, ये मदीना कॉलोनी। मदीना कॉलोनी में रहते हैं ऐसा। और ऐसा ने जो टिकटॉक आईडी है आपके सामने चल रही है स्क्रीन पे, इसे लाजमी आप सबने लाइक कमेंट एंड फॉलो करना है और शेयर भी करना है दोस्तों को। पूरे प्रोग्राम में आज ऐसा हमारे साथ होंगे और हमारे साथ ऐसा थोड़ी सी कंपेयरिंग भी करेंगे, कर लेंगे आज आप। तो आज ऐसा हमारे साथ होंगे, ये हमारे को होस्ट है। तो आए हम आपको नाज़रीन यहाँ पे आने वालों से भी मिलवाते हैं, यहाँ की इंतज़ामिया से भी दोबारा हम कोशिश करेंगे बात करें। और यहाँ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और सारी रौनक इन झूले वालों की वजह से, स्टॉल्स वालों की वजह से ही है और ये आवाम की वजह से है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ DMC सेंट्रल के तमाम अरकान और डिप्टी कमिश्नर्स का कि इतना अच्छा मेला इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। कराची के आवाम को काफ़ी दिनों से इस चीज़ की ज़रूरत थी। तो आए नाज़रीन आगे चलते हैं। मैंने नाज़रीन आपसे कहा था मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अपने दोस्तों से, भाइयों से बात कराऊंगा जो स्टॉल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, क्योंकि रौनक सारी इनकी वजह से है और मज़े भी इनकी वजह से हैं। तो आइए इन दोस्तों से मिलाते हैं। भाई आपका नाम? वसीम। वसीम भाई, ये आपने स्टॉल जो लगाया हुआ है मेले के अंदर, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त सा गोला गंडा है आपके पास। तो ये गोला गंडा बाहर कराची में भी कहीं लगाते हैं या स्टॉल्स वगैरह में सिर्फ? बाहर भी लगाते हैं। बाहर भी लगाते हैं। भाई आपका नाम? मेरा नाम अकबर अली। आप भाईजान के साथी होते हैं? हाँ भाई के साथ। कैसा लग रहा है ये, ऐसे मेले लगने चाहिए मजीद? हाँ माशाल्लाह सही है मेला, तो वार्षिक मेला तो लगना ही चाहिए, बच्चों का रौनक भी हो जाती है, सही हो जाती है। कितने का गोला दे रहे हम? 30 का, 50 का। सही है, महंगाई के दौर में तो आप सही दे रहे हो, मुनासिब है भाई। और महंगाई के बारे में क्या ख्याल है आपके, जो पाकिस्तान में महंगाई की, कुछ बोलोगे इसके बारे में? महंगाई बहुत हो गया, महंगाई तो सेट से ऊपर हो जाएगी। ये चलो अमीर तो जो भी है ना, अमीर तो कर लेगा गुजारा, जो ताज़ी रोजी वाले वो कहाँ जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम। अभी घी कितने का हो गया? 600 रुपए किलो घी। यकीन नहीं आता। आप ये देखें नाजरीन कि घी, यकीन करें लेते हुए जान निकलती, घी या तेल आप लोटी क्वालिटी का लें 500-600 रुपए है, अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो क्या, वाकई है एक छोटी चीज़ भी महंगी हो गई है। और कुछ कहना चाहेंगे भाई जान? मेहरबानी। चले भाई बहुत शुक्रिया, और मैं आगे और को मिलाता हूँ। ये लाजमी आए आप लोग इस फेस्टिवल में नाजरीन, और ये गोला गंडा लाजमी खाएँ और फिर आप खुद बताएं क्या है, लाजमी आना आपके इनके स्टॉल पे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस फैसले में एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त मिले हैं, हमारे बड़े प्यारे यूट्यूबर लगाओ रट्टा के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, और ये मिल गई हमारी खुशनसीबी है। हम मसला एक बात बताएं, देखिए सारी बातें हटा दें, मैं एक बात करूँ कि हम सब लोगों को कम से कम पूरे पाकिस्तान वाइज नहीं तो कम से कम शहरों के वाइज तो मिल के चलना है यूट्यूबर्स को। तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लगाओ रट्टा, मैं खुद पर्सनली इनके प्रोग्राम देखता रहता हूँ और आज इनसे मुलाकात भी हो गई। भाई इनके इनका नाम जानते हैं भाई? सलमान नाम, सलमान सिंचन नाम है मेरा। नाज़रीन सलमान और सलमान कमाल आपके सामने, वेरी गुड, दो सलमान आपके सामने आ गए हैं। अब आप देखें क्या होगा यहाँ पे, वो देखें ज्यादा से ज्यादा आपके चैनल का नाम जो बताएंगे। एक्सपेक्ट पीके भाई। अच्छा एक्सपेक्ट पीके, तो आपने इनको भाई साहब को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है और लाइक कमेंट शेयर करना है, तो भाई हमारे साथ आए। सलमान मुझे एक बात बताइए कि ये फेस्टिवल जो लगा है, ये मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि इस तरह के जो फेस्टिवल लग रहे हैं तो ये फेस्टिवल कराची के लिए ज़रूरी है? जी बहुत ज़रूरी है, यकीन करें जब से आल दिन पार्क पर बंद हुआ है ना, तो ये कराची में आवाम जो है ना मतलब बिल्कुल ही
मायूस हो गई है, उनको कोई घूमने की जगह नहीं मिल रही, मतलब कि इस तरीके का हालत इनकी तरह जो एक पार्क था ना उस तरीके से इनको पार्क नहीं मिला कराची की आवाम को। और ये बहुत ज़रूरी है, कराची की आवाम जो है इंटरटेन करती है, या कराची में क्या कुछ नहीं है, सिर्फ एक पार्क की कमी थी। वो मैं कहना चाहता हूँ कि इनको इजाद करना चाहिए मजीद आगे। जी यकीन करें आवाम आती है, इंटरटेन होती है। आप देखें इधर कैमरा घुमाएं, पब्लिक की तरफ डिमांड करें, कितनी आवाम आई हुई है इधर घूमने के लिए, इंजॉय करने के लिए आई हुई है। तो हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त ये है कि ये पार्क इजाद की जाए और आला दिन जो हटाया, इससे मेरे को बड़ा अफसोस हुआ है। बहुत अच्छी बात की सलमान ने, और मसला यहाँ पे सारा ये है कि आवाम कराची की इस वक्त तफरी के लिए तरसी हुई है, गर्मी है, सारे पाकिस्तान के जितने भी हमारे भाई हैं मुख्तलिफ़ बोलने वाले सब बात है। तो हमें मतलब इस शहर को भी बहुत ख्याल से रखना है, इस पर इंटरटेनमेंट चाहिए, इस पर अमन चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करें। हम और मैं और सलमान अभी हम आपको मुख्तलिफ चैनल लोगों से मिलवाते हैं, तो हमारे साथ रहें, हमारे चैनल सब ख्याल लगाओ। बहुत शुक्रिया शुक्रिया नाजरीन। हमारे साथ बड़ा हैंडसम से एक लड़का हाजिर है, यहाँ पे मौजूद है, बहुत लग रहा है, इंजॉय किया। नाम क्या बेटा? मोहम्मद फहीम। फहीम जी, फहीम वो फहीम हमारे साथ है, और यहाँ इन्होंने लग तो रहा है शहर से खूब इंजॉय किया। क्या क्या खाया दोस्त? ये झूला खाया है, चक्कर वाला। चक्कर आ गए? चक्कर क्यों आएगा यार, इंजॉय करने आए इधर। चक्कर ज्यादा बड़ा बना दिया यार, उसमें तो मुझे भी चक्कर आ जाएंगे ना यार। नहीं हमारे को चक्कर नहीं आया भाई, जूस पिला के लेके आ रहे हैं। बहुत मजा है। एक और हमारे पास, एक नहीं बल्कि तीन तीन हैंडसम बॉय हमारे पास है यहाँ पे, और ये पार्क में अकेले अकेले आए हुए, किसी को नहीं लाए, मगर मजा तो क्यों सर आपने? बिल्कुल मजा करा, बिल्कुल। अनवर शान नाम है। शान जी। और आपका? फैसल। फैसल शान अनवर, ये तो जोड़ी हो गई, एक फिल्म में भी किरदार थे तीन दोस्तों के। तो यहाँ क्या किया भाई आप लोगों ने? बहुत एंजॉय करा, हमने झूले भी लिए, बहुत तफरी हुई है। ये लगना चाहिए या बंद कर दें? नहीं नहीं, लगना चाहिए आवाम के लिए। कह रहे महंगाई है, महंगाई तो नहीं, महंगाई होती थी, आवाम थोड़ी होती है यहाँ पर। लेकिन नाजरीन ये भी कह रहे हैं, और पहले भी कल भी एक भाई ने यही मेले में कहा था कि महंगाई होती थी, आवाम क्यों आती? और महंगाई है तो दूसरी चीज, बिल्कुल महंगाई है। पाकिस्तानी पे आप क्या देखते हैं? बहुत कुछ होने वाला, अभी आगे देखते हैं होता क्या है। मुझे भी लग रहा है कुछ ना कुछ होना। आप क्या कहोगे भाई शान? किस बारे में? सियासत में क्या होने वाला है? कुछ पता नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते अभी तो। लगता है कि कुछ नहीं, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, अल्लाह बस बेहतर करे। भाई हमारे दोस्त है हैंडसम से, लाजमी आप ये वीडियो देख लो, आप आवाम से भी ज्यादा से ज्यादा गुजारिश है कि यहाँ पे आए, और ऐसे ताकि ये मेले चलते रहे, आवाम नहीं आएगी, ये मेला बंद हो जाएगा, तो आप आमद भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर। भाई ये नन्ना मुन्ना से एक दोस्त हमारे साथ है, बेटा आपका नाम? अब्दुल वली। अब्दुल वली है, अकेले नहीं, किसके साथ आए? पूरी फैमिली है। अकेले अकेले? इधर आओ इधर आओ, पूरी फैमिली इधर आओ। भाई पूरी फैमिली आई हुई है अब्दुल वलीद की, अरे इतनी प्यारी प्यारी गुड़िया आई हुई है, और भाई अकेले अकेले आए अब्दुल वलीद, हमें तो बता ही नहीं रहे। बेटा आपका नाम क्या है? मुस्कान फातिमा। मुस्कान फातिमा आई हुई है, और आप? दानाश। क्या खाया आपने? आपका नाम? फतेह दानिश। इतना बड़ा नाम आपका? मिसबा अजीम। मिसबा आसिफ अजीम, मिसबा अजीम भी है। क्या क्या खाया, किसने क्या क्या खाया, मुझे जल्दी से बताओ। मैकरोनी खाई, पॉपकॉर्न, और समोसे, स्पाइसी बोटी खाई, स्पेगेटी खाई है। मैंने तो नहीं खाई यार स्पेगेटी, यार मुझे क्यों नहीं खिलाई स्पेगेटी। चले आपका नाम? इरम दिलशाद। आप बच्चों के साथ हैं? जी ये मेरी बेटी है और ये बेटा है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ये अब्दुल वलीद इनके साहबजादे हैं, और ये फैमिली यहाँ पे आई हुई है। कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, दूसरी दफ़ा आई हूँ जी। पहली दफ़ा आई है, दोबारा आई? दोबारा आई। दोबारा देखे, हम भी रोज़ आ रहे हैं और आवाम भी रोज़ आ रही है, और मैं कह रहा हूँ अभी एक्सटेंड हुआ है एक हफ्ते के लिए, इसे एक्सटेंड हमने कराना है एक महीने के लिए, तो हमें रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा आना है। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? भाई अकेले अकेले मेरे को रोल खा रहा है चुपचाप। इधर आओ भाई, इधर आओ भाई, ये बच्चा देखे अकेले अकेले खा रहा है, और किसी को नहीं। आपका नाम? वकास। वकास। वकास, वकास भाई क्या खा रहे हो? शवरमा। चलो अच्छी बात है, अल्लाह खुश रखे, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई इसकी भी बना ले, क्या नाम है बबलू भाई? वो तो डर रहे हैं। इधर आइए, आगे आइए। हाँ आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? फाइव। फाइव में आपका रिजल्ट आ गया? अच्छा अच्छा, मेरा रिजल्ट आया ग्रेड। क्या है? ए ग्रेड। ए ग्रेड आया भाई, ए ग्रेड। आपको तो डबल डबल झूले में बैठना चाहिए।
क्या नाम है भाई? हमीदा। हमीदा, हमीदा बहन। आपका भाई क्या? वहीद नाम है। वहीद। आपका? अब्दुल गनी। आपका? वहीद। आपका नाम? अब्दुल गनी। ये कौन है चुन्नी मुन्नी हमारी प्यारी सी? मरियम। मरियम ने कहाँ कहाँ कौन कौन से झूले में झूली? हमने झूला झूला और हमने पॉपकॉर्न खाए थे और हमने बहुत मजा किया था और हम इतना एंजॉय कर रहे हैं और मजा आ रहा है हमें बहुत। यार मुझे तो किसी ने एंजॉय भी नहीं कराया ना मुझे किसी ने झूला झुलाया। नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरी बच्चे खुश रहे। और आप पहली दफ़ा आई हैं? दोबारा भी आई थी आप? पहली दफ़ा आए हम यहाँ पे। दोबारा? ये तो इतने दिन से लगा। नहीं, पहली दफ़ा आए हम यहाँ। अच्छा, तो आपने दोबारा आना है फिर यहाँ पे? जी यस। रोज आ रहे हैं यहाँ पे? यस। और सर आप बताएंगे वाली संघ के हालात के बारे में, क्या किस तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे? इस तरफ जो है ना बहुत, हाँ बहुत ख़राब जा रहे हैं इस टाइम पे हालात। आप रखते हैं, आपने बहुत सबक देखे होंगे। जी जी जी। इमरान भाई दोबारा आना चाहिए, प्लीज दोबारा। इमरान भाई प्लीज दोबारा आ जाए। देखिए भाई, एक खास खास पैगाम दे रही है, खास पैगाम दे रही है। प्लीज प्लीज इमरान भाई जल्दी आ जाए बस। खान साहब, आप हमारे वजीर आजम थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे आपको, इंशाल्लाह आप जरूर आएंगे। इमरान भाई हमारी दुआएं आपके साथ हैं। भाई बच्चे मरियम भी कुछ कह रही हैं इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान सर, आप वापस आ जाए, हमें आपके साथ बहुत मजा आता था और हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मरियम मिस कर रही है, मैं भी मिस कर रहा हूँ। चले बहुत शुक्रिया। भाई ये बच्चे आए हुए, बच्ची कहाँ से आई है? कराची से। कराची से आई हुई है? अबे भाई कराची में तो रहते हैं हम। आप कहाँ से आई हो? पेशावर से। ये बच्ची पेशावर से। आप कहाँ से? हम भी पेशावर से। बड़ा पेशावर से, तुम बड़ा। तुम कहाँ से है भाई? कराची से। ये तो हम तो कराची वाले। तुम कहाँ से हो? मैं पेशावर से। पेशावर से। पेशावर से आया भाई बच्चा। अच्छा आप क्या कहना चाह रही है? मजा आया? मजा आया? मजा आया आया। चलो भाई मजा आ गया, चलो मजा आ गया। अब आपकी वीडियो भी आप आ गया भाई, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया भाई। ये बच्चा मेहमान है, पिशावर से हमारा दोस्त आया है, इसे खुसूसी इंटरव्यू देना है। कहाँ से आया बेटा? पिशावर से। पिशावर से आया है भाई। आपका नाम? असदुल्ला। असदुल्ला खान। असदुल्ला खान गालिब। इतना बड़ा नाम है दोस्त। आप कुछ कहना चाहेंगे? मजा आ रहा है यहाँ मेले में? क्या क्या खाया आपने? फालूदा। फालूदा खाया। अभी आप यहाँ रुकने आए हैं, अभी रहेंगे कराची में या जाएंगे? जाएंगे। हमारा चैनल लाजमी देख रहे हैं, ठीक है? चलें भाई, इसको बच्चे को प्यारे से लाइक दें। बस कल के लिए बस सोई नहीं है, जाएंगे बस कल। बस कौन सा बस में जाओगे आप? मदीना। हम भी मदीना में जाते हैं बड़ा, हम पिशावर खुद जाते हैं, होटल अफंदी। जबरदस्त, मैं आऊँगा पिशावर मिलने तुमसे, ठीक है? चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। भाई हमारे साथ दो नन्हे मुन्ने से हीरो हीरो दोस्त मौजूद हैं, कह रहे हैं हमारा इंटरव्यू ले लें, इनका इंटरव्यू लेना है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अयान। अयान आपका नाम? फुरकान। अयान एंड फुरकान। फुरकान और अयान यहाँ किस लिए आए आप? अकेले? अकेले। फिर फैमिली। फैमिली अकेले? अकेले। फैमिली? फैमिली। फैमिली आके इंटरव्यू क्यों नहीं दे रही हमें? शर्मा रही है, वीडियो बना रही है। फैमिली को तो इंटरव्यू देना चाहिए। वो देखें वीडियो बना रही है वो। वीडियो बन रही है, हमारा किसी इंटरव्यू नहीं देना। अच्छा तो यहाँ क्या क्या खाया पिया आपने? हमने चिप्स खाई और स्मोक पिया। बोतल भी पी? कौन सी? सेवन अप। सेवन अप। पेप्सी क्यों नहीं पी? स्ट्रिंग भी है भाई, आज स्ट्रिंग में तो बड़ी मजेदार चीज है। अच्छा तो फिर रात को कितने बजे सोते हो? अभी तो स्कूलों की छुट्टियाँ हैं। आठ छुट्टियाँ ना स्कूल की। गेम वेम खेल के सो जाते हैं। सो जाते हैं। अब यहाँ कौन कौन से झूलों में बैठे हैं? अच्छा तो अब ये बताओ कि अब हमें चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे आप? लाजमी करना है और शेयर भी करना, दोस्तों को भी बताना आपकी वीडियो कल आएगी है, ठीक है? ओके। हाँ भाई जान, ये बच्चे हमारे पास बड़े प्यारे प्यारे से हैं। और बेटा आपका नाम? दानियाल। दानियाल आया हुआ है भाई। और आपका नाम? गुड़िया। अलिशबा। अलिशबा को भी देखें। आपका नाम? माहिर। माहिर। अब बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, बड़े भी आए हुए हैं, हम सब आए हुए हैं। मज़ा तो आ रहा है आप लोगों? बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छे झूले लगे हैं। अब कल का अभी ये दो दिन बाद अटरी है। नहीं अट रहा, ये अभी एक हफ्ते और लगा दिया। नहीं ये 26 तारीख बाहर लिखा हुआ है। 26 बढ़ा दिया इसको? बढ़ा दिया। रोज आना है यहाँ पे? हाँ। आप आएंगी? जी। क्या खाया आज आपने? अभी मैंने पॉपकॉर्न खाए और अभी मैंने लिमका, धुआं निकलने वाला लिमका भी लिया। भाई गुड़िया तुमने क्या खाया? मैंने भी पॉपकॉर्न और वही
नीम लिमका जी। मैं कश्ती में बैठा और मौत के कुएं में गया था। वो जो अब डर लगता है भाई मुझे, तुम कैसे बैठ गए? नहीं देख लिया, ऊपर से फिर भी मुझे डर लगता है। अरे पूरी लकड़ियां हिल रही थी यार। चले आप सर, आपके नाम सर भाई कैसा? बस बच्चों ने एक हफ्ते से प्रीमियर कॉलेज में होता हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता। हमारे यहाँ सेंटर है कॉलेज में। आप क्या कर रहे हैं? मैं एज इंचार्ज। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्रीमियर कॉलेज के इंचार्ज हमारे लिए तो बहुत आप मोतबर है कि यहाँ बच्चों को बड़ा कंडीशंस टाइम में से निकाल के थोड़ा। वैसे देखिए कराची के और पाकिस्तान के हालात कैसे, महंगाई के हवाले से? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत। ये मतलब अब पहले तो कुछ लोग होते थे स्ट्रेस में, अब 100% लोग हो गए डिप्रेशन। उसमें यह कि फिर थोड़ा सा अपने आप खुद को भी थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, अपने आपके अपने ऊपर है ये सारा। तो बाकी आप ऐसा अपने नज़र से आप आम को क्या राय देना चाहेंगे? किस तरह अपने बस आवाम तो बेचारी, वो तो आपको पता है कि बिल्कुल इस तरह है कि जैसे अगर वो बाहर निकलते हैं तो सुबह कुछ और होता था, रात को कुछ और। तो जब बेचारा लेने जाता है जैसे 1 किलो तो वो 1 पाव लेके आ रहा होता है। बेशक ऐसे ही है बिल्कुल। तो बाकी ये कि अल्लाह ताला रहम करे, हम आप तो दुआ ही कर सकते हैं। बेशक बेशक। हालात जिस तरह चल रहे हैं, मसला ये कि कोई भी हुकूमत आए उसमें बहुत मुश्किल लग रहा है कि हालात को काबू करना। पाकिस्तान के कोई मौजज़ा है पाकिस्तान के हालात? बस अल्लाह ताला बेहतर करे, बस हमें अपना जो है ना ईमान और किबला दुरुस्त रखें, बस किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। बस बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्त, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहराज। शहराज कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार कराची में ऐसा फेस्टिवल सजा है, माशाल्लाह। आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं KBR। KBR में रहते हैं, तो आप रोज आने बैठे हैं यहाँ पे? दूसरी बार आ रहे हैं। दूसरी बार आ रहे हैं। और आप टिकटॉक वगैरह बनाते हैं कुछ? जी बनाते हैं। अपनी आईडी बताएं। शहराज अली के नाम से। शहराज अली के नाम से। नाज़रीन मेरे दोस्त की है आईडी टिकटॉक पे से, लाइक फॉलोवर्स लाजमी करें, फॉलो करें और फॉरवर्ड भी करें दोस्तों में। और कुछ कहना चाहेंगे आप मेले के हवाले? और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी आइए, जो जो नहीं आए हैं वो आके यहाँ पे इंजॉय करें, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खेल कूद है यहाँ पे, बच्चों का भी है बड़ों का भी है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया शहराज, बहुत शुक्रिया। प्यारे प्यारे से और हमारे साथ 2-3 बच्चे मौजूद हैं, ये भी मेले में आए हुए थे इंजॉय करने, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम बेटा? सैयद अस्कर अब्बास रिज़वी। भाई आपका नाम तो बड़ा प्यारा है, बड़ा सा। ये बताएं आपको यहाँ मज़ा आया? जी बहुत मज़ा आया। क्या किया आपने या क्या देखा? मौत का कुआं देखा, झूलों में बैठे। पढ़ते? जी पढ़ता हूँ। तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं 8 में। 8 में पढ़ रहे हैं, तो अभी रिजल्ट आपका आ गया? नहीं हाँ अभी 8 में आया हूँ। अच्छा 8 में आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तो चलें भी तो इंजॉय करना मेले में भी। आपने जी हाँ जी आएंगे दोबारा, अच्छा लगा जी। जी आना है अपनी वीडियो को लास्ट में देखना है। आपका नाम दोस्त क्या है? कोनेन। जी कोनेन। कोनेन कोनेन को कोनेन ने क्या देखा यहाँ पे? वो देखा, अच्छा लगा, कुछ खाया कोनेन ने? चलें बेटा आपका नाम क्या है? हैदर। आपको यहाँ मजा आया? आप पढ़ते हैं? जी पढ़ता हूँ। आप कौन सी क्लास में? 5 क्लास में। अच्छा तो आप अभी 4 से 5 में आए? जी। अच्छा तो आपका क्या रिजल्ट आया उसमें? 4th में मैं आया था 2nd। माशाल्लाह। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सर आदम जी ग्रह। जबरदस्त आदम जी, बड़ा जबरदस्त स्कूल है नॉर्थ कराची का। और दूसरा ये है कि ये आपको यहाँ बहुत मजा आया, हमने बहुत सारे झूले झूले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।